हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ओल्ड दुपट्टों से बहुत ही सुंदर सा डोरमेट बनाना। तो यहाँ पर मैंने ये एक ओल्ड दुपट्टा लिया है और इसकी हमें 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप की कटिंग कर लेनी है। तो ये मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमें 3 इंच तो ये देखिए, अब हमने जो भी कलर हमें चाहिए उनकी हम इस तरीके से 3-3 इंच चौड़ी स्ट्रिप काट लेंगे। तो ये देखिए, हमने बेस के लिए ये जीन्स ले ली है, ओल्ड जीन्स ये है। बेस के लिए आप ओल्ड जीन्स ले सकते हैं, ओल्ड पैंट ले सकते हैं, कोई ऐसा सूट जो कि आप अब नहीं पहनते हैं उसको भी ले सकते हैं। तो 18 इंच इसकी लेंथ है और इसकी जो वेथ है वो 15 इंच है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। किनारे हमने ऑलरेडी फोल्ड कर दिए हैं, पहले ही किनारों को फोल्ड कर लेना है पहले ही। और उसके बाद हम इस पर मार्क लगाएंगे। मार्क ले देखिए, इस कॉर्नर से लेकर हम ऐसे फ्री हैंड से मैं मार्क लगा रही हूँ, कोई मेज़र नहीं किया मैंने। इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक हमें एक क्यू तिरछी लाइन लगा लेनी है। और उसके बाद यहाँ से भी एक फ्री हैंड से इस तरीके से मार्क लगा लेना है, फ्री हैंड से ही किया। फिर इन का भी हमें हाफ हाफ कर लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये बीच कॉर्नर में आ जाए इसका जो कट है ऐसे। तो ये इसके बाद इसका भी हम हाफ कर देंगे, इसका भी हाफ कर देना है। ये भी मैंने फ्री हैंड से किया है, कोई मेज़र नहीं किया। तो ये हमने सारे कर लिए। अब हम ये स्ट्रिप लेंगे और किसी भी एक जो हिस्सा है उस पे यूं 1-1 इंच के गैप पे इस स्ट्रिप को स्टिच करेंगे। कैसे करना है आगे करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, जो हमने मार्क लगाया है वहाँ पर हम इस स्ट्रिप को लगाएंगे। स्ट्रिप के एकदम सेंटर पे हमें स्टिच लगानी है। अगर आपको सेंटर देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप पहले स्ट्रिप को हाफ फोल्ड करके आयरन से एक क्रीज डाल लीजिए और उसके बाद हमें ये ऐसे साथ के साथ स्टिच भी करते जाना है और इस कपड़े को इकट्ठा करते भी जाना है। ऐसे तो यहाँ पे मैंने 4 कलर के दुपट्टे का यूज़ किया है। अगर आपके पास 3 है या 2 है तो उस हिसाब से आप कलर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत से दुपट्टे होते हैं जो कि हम जिनके सूट तो फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो दुपट्टे हैं वो नए के नए पड़े रहते हैं, तो उससे हम ये डोरमेट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 18x15 इंच का ये डोरमेट बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमने इसे रोटेट कर लिया, यानी कि घुमा लिया है और फिर उसके बाद हम यूं डालते जाएंगे। ज़्यादा घनी घनी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो नीचे का बैकग्राउंड है वो कम नज़र ना आए ऊपर की तरफ। तो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है ये डोरमेट और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है ये। और ऐसा बनता है जैसे कि बिल्कुल मार्केट जैसा हो। अगर आप इसको दिखाएंगे तो ऐसा कोई भी नहीं कह पाएगा कि आपने घर पे बनाया है और वो भी ओल्ड दुपट्टों से बनाया है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम मशीन से बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से बना सकते हैं, वरना अगर सीविंग मशीन से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा ये।
तो देखिए ये हमने इस तरीके से बिल्कुल घनी घनी ये डालनी है, यानी बहुत ही पास पास डालना है ताकि नीचे का बैकग्राउंड नजर ना आए। और बहुत ही मुलायम होता है ये और बहुत सुंदर लगता है देखने में। इस तरीके के डोरमेट आपने बहुत से शोरूम में भी देखे होंगे। तो ये एरिया हमने कवर कर लिया है। तो ये देखिए ये हिस्सा हमने फिल कर लिया है। अब हम दूसरा कलर लेंगे। ये पिंक कलर का दुपट्टा मेरे पास था, बहुत पुराना है ये, तो इसका हम यूज़ कर लेते हैं। इसकी भी मैंने स्ट्रिप कटिंग कर ली है। अब इस एरिया पे देखिए यहाँ पर हम एक एक इंच के गैप में मार्क लगा लेंगे ऐसे, ठीक है, यूं यूं और यूं, और बीच का एरिया इस पे भी हम इसे लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए पिंक कलर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास ये ग्रीन कलर के दुपट्टे की मैंने स्ट्रिप कटिंग कर ली है। तो अब हम इसके साथ ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रिप है सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सेम इसी तरीके से हमें ये भी कंप्लीट कर लेना है और फिर उसके बाद बाकी के हिस्से भी कंप्लीट करने हैं। तो ये देखिए ग्रीन कलर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लेंगे इस वाले हिस्से को, और इस हिस्से पे भी मैंने एक एक इंच के गैप पे ये मार्किंग कर ली है। और अब मेरे पास ये कलर है तो इसे भी मैं यहाँ पर लगा लूँगी। तो ये देखिए रानी कलर भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम फिर से येलो लगाएंगे, यहाँ पर पिंक लगाएंगे, और यहाँ पे ग्रीन लगाएंगे, और यहाँ पे फिर से रानी कलर लगा के इस पूरे हिस्से को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बना के कंप्लीट कर लिया है। बनने के बाद ये आपको इस तरीके का दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही कलरफुल ये लग रहा है। तो कोई भी इसे देख के ये नहीं कह सकता कि इसे घर में बनाया गया है, और वो भी ओल्ड दुपट्टों का यूज़ करके। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को एंड तक देखा।